निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, अच्छा हम तुमसे क्वेश्चन पूछे हैं पे एक चीज कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? केपी भाई आर क्यू, मतलब हम लोग लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द हम लोग परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस देख रहे थे, तो हम कह रहे थे ईपी इज इक्वल टू, या कह रहे थे ई इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यू, यही था हमारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव, तो हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति, पहले निरक्षीय स्थिति बनाया जाए, क्या स्थिति बना लिया जाए, तो हम कहेंगे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, तो द्विध्रुव के लिए दो बिंदु लेना पड़ेगा और दोनों बिंदु को एक साथ जोड़ दिया है, कोई दिक्कत, अच्छा इसको हम कह दें माइनस क्यू वन, या इसको कह दो प्लस में और इसको कह दो माइनस में, चलो अंतर ही रख देते हैं, इसमें भी जैसे उसमें लिए थे वैसे ही ले लिया जाए, माइनस में और इसको प्लस में, क्या ऐसे ही था ना, अच्छी स्थिति में ऐसे लिए थे ना, ठीक है। इस बिंदु पर P ले लिया जाए, क्या ले लिया P, अच्छा यहां से हम कहते हैं कि यहां से लेकर इस सेंटर तक के बिंदु, मतलब यहां पे जो दो इन दोनों आवेशों के बीच का जो केंद्र बिंदु है यहां तक हम इसको कहते हैं कितना दूरी हो गया R, और ये 2L होता है तो इसको कह दिया जाए L और L, कोई दिक्कत। अब यहां से एक छोर से इसको मिला दिया जाए और एक छोर से इसको मिला दिया जाए, तो इसकी जो दूरी निकल के आ जाएगी क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी भी वही निकल के आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अरे बोलो हाँ, अच्छा इस बिंदु के कारण इस पर विभव, इस बिंदु के कारण इस पर विभव, तो भी बराबर भी वन प्लस भी टू है कि नहीं, क्या यही बोले थे हम कि जितना विभव होगा उस विभव को क्या करेंगे, जिस जिस आवेश के कारण होगा विभव योग हो जाएगा, ये भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की तरह चलता है कि जितना एक बिंदु पर जितना जितना जितने आवेशों के कारण विभव उत्पन्न हो रहा होगा सारे विभव का क्या कर देंगे योग। तो हम कहते हैं इसके कारण अगर हम विभव लिखे तो माइनस क्यू के कारण अगर विभव लिखा जाए, पहले प्लस क्यू के कारण लिख लो, तो प्लस क्यू के कारण अगर विभव लिखो तो लिखो बाबू वी इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वन बाई आर था ना, यही था ना। अब यहां पे माइनस क्यू के कारण अगर हम लिखना चाहें तो माइनस क्यू के कारण अगर हम लिखेंगे तो माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा बाबू, वी वन इसको बोल दो और वी टू इसको बोल दो, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो अगर हम बात करें तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान माइनस क्यू रहेगा, हमने कहा था कि जो भी साइन रखना साइन क्यू क्यू जो भी आवेश रखना हो उस क्यू का वहां पे जो साइन है उस साइन के साथ रखना, तो माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है यहां पे, इसके कारण हमको क्या अगर कहते हैं कि समीकरण यहां कहते हैं इसको वी वन बोल दिए और इसको वी टू बोल दिए, और यदि अगर बिंदु पी पर यहां पे जो बिंदु पी है इस बिंदु पर टोटल विभव हमको निकालना है, टोटल वोल्टेज अगर निकालना है तो वोल्टेज निकालने के लिए हम कहेंगे जितने जितने आवेशों के कारण वोल्टेज आ रही है सबका समावेश कर दे सबका योग कर दे, अरे बोलो हाँ जी। शांत बैठे हो खा पी नहीं आया क्या सुबह सुबह, अरे थोड़ा कुछ खा लो, अब यहां देखो इस पॉइंट पी पर हमको विभव निकालना है तो टोटल विभव भी बराबर क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे ऑन पॉइंट पी, ऑन पॉइंट पी टोटल पोटेंशियल, ठीक है टोटल पोटेंशियल मतलब कि कुल विभव, कोई दिक्कत, तो V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, कोई दिक्कत नहीं यहां पे वी वन का मान रख दिया जाए तो वी वन का, अच्छा इसको सब्स्टिट्यूट कर दे के से कर दे क्या बाप अब्बर सा दिख रहा है, ठीक है तो V इज इक्वल टू लिखना बाबू K K Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा यहां पे देखो यहां पे वो प्लस है तो प्लस को साइन रख दिया जाए, अब यहां पे माइनस भी तो है तो माइनस कर दिया जाए, ठीक है माइनस के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
अच्छा एक चीज दिखाओ, सोच के बताओ कि अगर वैद्युत द्विध्रुव हो तो ऑन पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? जितना ये है उतना ही माइनस हो गया, खत्म। समझ में आया? अब कोई भी आपसे पूछेगा ये बताओ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण पॉइंट पी पर अगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का विभव ज्ञात करना हो, वैद्युत द्विध्रुव का विभव ज्ञात करना हो, तो आप सीधे कह दोगे कितना हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? यहां पे जितना आवेश, इस आवेश के कारण जितना विभव लगेगा उतना ही इस आवेश के कारण विभव लगेगा। इसका आवेश, इस आवेश के कारण जो विभव लगेगा उसका पॉजिटिव साइन होगा और इसकी वजह से क्या होगा? निगेटिव। जब V1 टोटल वोल्टेज वहां चेक करेंगे तो यहां से जो V1 होगा वोल्टेज वो पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। पॉजिटिव तो हम लेके चल ही रहे हैं लेकिन उसके साइन कन्वेंशन के साथ भी हमको रखना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। हालांकि दोनों समान है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा थोड़ी होता है माइनस में से, अगर एक में से माइनस एक करते देखो था होता है क्या ऐसा? शायद उस लड़की ने बहुत हिम्मत से बोला कि शायद। बोर्ड में अगर आता है तो हाथी काकी चुकी ताकी सब लिख लेना तुम लोग, माना कि माना यहां से लेके वहां जा रहे हैं तो ये आवेश इतना, आवेश इतना, वो इतना। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो एक अनंत विस्तार की आवेश परत, विस्तार की आवेश परत पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व 10^-5 सेंटीमीटर क्यूब है, 10^-5 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके क्षेत्र में दो संभिभव पृष्ठ हैं जिनके बीच पांच बोल्ट का विभवांतर है, तो पांच वोल्ट का विभवांतर है तो ज्ञात कीजिए कि दोनों संभिभव पृष्ठ कितनी दूरी पर स्थित होंगे। सुनो, इन्वर्टर देखे हो? इन्वर्टर खोलते हो किसी को देखे हो? दो प्लेट, तीन प्लेट ऐसे एक दूसरे के समांतर ऐसे ऐसे करके प्लेट लगी होती है, तो प्लेट एक दूसरे से ऐसे अरेंज होता है जैसे एक उसमें लगाने वाला होता है पूरा प्लेट ही से। तो एक प्लेट पर अगर हम कह दें कि एक प्लेट पर विभव इतना है या दोनों के बीच में विभवांतर इतना है तो बीच की दूरी कितनी होगी? बस आ रही है? अगर कहा था मैं समविभव पृष्ठ, एक पर जो एक प्लेट है उस पर विभव समान होगा, दूसरे पर विभव क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तित होता है ना। अरे बोल, हाँ क्या दर्द हो रहा है तुम लोग को इतना बोल रहे हो? इतना दर्द विराट कोहली का प्रचार नहीं सुने हो क्या कि विक्स की गोली लें खिचखिच दूर करें? क्वेश्चन हमने दिया समविभव पृष्ठ, हमने कहा कि मान लो एक विभव इस पे है और एक पृष्ठ पे इधर विभव है, ठीक है? हमने कहा इस पे V1 है और इस पे क्या है? V2 है, तो इसके बीच का विभवांतर दे रखा है, ठीक है? इसके बीच का विभवांतर दे रखा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, ठीक है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है और इसमें कह दिया है कि चार्ज डेंसिटी भी दिया हुआ है, पृष्ठ पे चार्ज डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? -ΔV/Δx। पढ़ा है क्या ऐसा फॉर्मूला? नहीं पढ़ा है? विभव परवर्ता, दूरी में परिवर्तन, विभव परवर्तन नहीं पढ़ा है? हाँ, क्या लिखा है? ΔV/Δa। और उसको हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष उसको तुलनात्मक में किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में संबंध लिखवाए होंगे,
कह रहा है कहां इलेक्ट्रिक फील्ड वायु क्षेत्र और विभव का संबंध नहीं लिखवाए हैं, मिल गया जी। पढ़ोगे लिखोगे है या नहीं है, कहोगे सर जी कहां हो गया, मिल गया ये चीज ठीक है। अच्छा दूसरा एक और चीज हम पढ़ चुके हैं पृष्ठ के लिए, हमको वायु क्षेत्र निकालना हो इज इक्वल टू सिग्मा अपान, जैसे सिग्मा बोलते हैं ना, टू एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी दे रखा है, यहां रख के ई निकाल लेंगे, ई का मान यहां रखेंगे, डेल्टा भी क्या है विभवांतर दे रखा है, एक्स का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, वही तो पूछ रहा है। तो वैद्युत अगर हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र कितनी होगी इसमें, तो हमने कहा कि चार्ज डेंसिटी आपको दे दी गई है, चार्ज के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी के कारण हम वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, उसी के कारण वैद्युत क्षेत्र को हम देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है जी। तो हमें ई के यहां से ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कर लेना है, तो यहां से ई निकल के आ जाएगा, ई का मान यहां रख देंगे, डेल्टा भी हमको दे रखा है 5 वोल्ट, अरे बोलो हाँ, तो डेल्टा एक्स पूछ रखा है, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत ठीक है लगाओ। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये बाबू नीट का क्वेश्चन है, NEET नीट कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स को इधर कर दो, डेल्टा एक्स को इधर कर दो, सीधे ऐसे कर दो, डेल्टा एक्स बराबर माइनस डेल वी अपन सिग्मा, अब यहाँ पर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कूद के ऊपर चला जाएगा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, डेल वी का मान 5 × 2 × 8.85 × 10 की पावर, ऐसा का मान कितना होता है -25, और सिग्मा का मान कितना दे रखा है 10 की पावर -5, ये दे रखा है ना, बस यही तो सॉल्व करना था। अब यहां क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स का मान आ रहा है तुम्हारा, तो काट पीट कर लो 5 × 10 दिख रहा है ना, 5 × 10 × 8.85 × 10 की पावर -12, एक उड़ा दो 11 हो जाएगा अपान 10 की पावर -5 है, ऊपर ले जाओ 10 की पावर -5 है ना, तो ऊपर ले जाओ तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो क्या आंसर तुम लोग कितना किए, हो गया आंसर आ गया, चलिए हो लो।